और बोला पड़े भगवान। घमासान युद्ध हुआ है रुको में और कन्हैया में वहां छाती पे बन बैठे रुकुम के तो रुक्मणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को ना मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो हमारे साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, ताहने मारेंगी, ऐसी शादी की जो भैया भी खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो श्याम। और रुकुम को छोड़ दिया और रथ के पीछे बांध लिया और रथ लेके चल गए। बलराम इधर भागे, सुबह से गए अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए, पंडित जी को छोड़ने गए। एक लड़का बोला भैया पंडित जी जो आए थे ना, हाँ हाँ, खाली हाथ नहीं आए थे, मतलब एक लड़की की चिट्ठी लाए थे, वहीं गए। अब बलराम भागे कैसे, ये लड़की किसकी ले आए? कहने लगे भैया इस लड़की ने मेरे पास खत भेजा था। क्यों ऐसा तूने काय किया? जवाब दिया भैया मेरा भैया